का फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स का फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इतना हॉट बर्ड मतलब गर्मी बढ़ रहा है, लोगों का भर भर के कॉल आ रहा है, दादा मेरे सेटअप पे बहुत गर्मी बढ़ गया है तो क्या करूँ, तो क्या करूँ, बार्ड्स मुंह से सांस ले रहे हैं, मतलब लेग पैरालिसिस जैसे सिम्टम देखने को मिल रहा है, लूज मोशन या डायरिया तो लगा ही, मतलब शुरू से ही लगा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन पे अपने बार्ड्स को कैसे आप ठीक ठाक रख पाओगे, इसके ऊपर मैंने दो दिन पहले एक बंगाली में वीडियो बनाया था, लेकिन आज पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे जो मैंने कैसे मतलब मेरे बार्ड्स को, मेरे जो दोनों सेटअप है, मेरे खुद के घर के ज़्यादा मेरे बुआ के घर में धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी मतलब अब सोचिए मत। मतलब हम जब साफ सफाई में करने जाते हैं तो मैं खुद ही कभी कभी सोच लेता हूँ जो कैसे करूँ तो क्या करूँ, ऐसी सोच भी इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग को देखिए, कोई भी परिस्थिति से आप जब घबरा जाते हो ना तो आपका ब्रेन सोच नहीं पाता है, मतलब सोचने का ताकत चले जाते हैं, तो आपको कूल ब्रेन में सोचना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों का जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, जो कोई भी सीज़न आने से पहले नेचर ने या कुदरत ने हम लोगों को वो सारे चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जिसके माध्यम से दुनिया में जो कोई भी एनिमल्स है वो इंटैक्ट करके या कुछ भी करके उसको लेके बच सकते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसे देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके चलते या जो वेदर का जो चेंजेस हो रहा है या वेदर परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी बोलिए, गर्मी आसमान छू रहा है, बारिश होने तो बाढ़ आ जा रहा है, तो बहुत सारे चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है यार। ये तो शुरुआत है, इस साल में बहुत गर्मी पड़ेगा और जितने दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे ये करते रहे तब के क्या बाढ़ पड़ना छोड़ देंगे? नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ चीज़ों को बदलना है, यही बात है, कुछ चीज़ों को आपको सही सलामत बदलना है। जैसे कि फास्ट तो है आपका जो सेटअप है जहाँ पे है, अगर छत में है तो हर दिन बार्ड्स का नहाने का एक बंदोबस्त कीजिए, फ्रिज वाला पानी से, पानी से नहीं या वाटर से नहीं, नॉर्मल जो वाटर है उसमें आप कैसे जैसे नीम का पानी से नहाने के दे सकते हो, पुदीना का पानी, लेकिन कोई भी पानी अगर जो नहा रहे हैं जैसे पुदीना का, एलोवेरा का, नीम का, उसमें नमक मत डालिए, ठीक है? नमक में चिपचिपा होता है तो स्किन पे लग जाने से वहाँ से गर्मी काल में जैसे समर सीजन में बहुत तकलीफ होता है, और नमक शरीर में अंदरूनी हिस्से में ज़रूरत है, बाहर नहीं। तो इसीलिए पूरा डिस्कस करूँगा, पूरे को पूरा देखना, तभी जाके आपको अपने बार्ड्स को बचा सकते हो, इतना कितना भी एक्सट्रीम हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। छत में एक बात बोलूँगा, छत का मैं अगर सेटअप है तो धोने का बंदोबस्त है तो मिट्टी जो है छत का जो फ्लोर है उसको धो दीजिए, और फैन का मतलब देखिए कैसे भी करके आपको हवा का गुजर सही होना चाहिए, जैसे हवा यहाँ से घुस रहे हैं उधर से निकल जाए, ऐसे बंदोबस्त होना चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, तो गर्मी जो गर्म हवा जो है वो निकल जाएगा, फिर फ्रेश हवा घुसने का मतलब उसको सुविधा मिलेगा, और नीचे वाला फ्लोर जितना धो देंगे एक बार दो बार तो थोड़ा सा ठंडा जरूर वेदर मतलब आपका उस स्थान का वातावरण बहुत जरूर चेंज होगा। तो इसीलिए नहाने का दोपहर के टाइम पे नहाने का एक बंदोबस्त कीजिए, अगर मान लीजिए आप नहाने नहीं दे सकते हो तो स्प्रे गन से थोड़े बहुत उसी पानी से आप क्लीन वाटर से भी नहा सकते हो, सॉरी नहाना मतलब उसको स्प्रे कर सकते हो। इधर एक टॉपिक में शेयर एक बात ज़रूर बताऊँगा जो अपनी बार्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आज तक नहीं बताया क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करके, मैंने स्टडी करके, प्रैक्टिकल करके सीखा है, जो मेरा वीडियो में इतना ही बोल रहा हूँ, मैं खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दिया है इधर में, उसमें एक दो % मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ सुन मतलब जानने में, प्रैक्टिकल करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई ये वीडियो के माध्यम से एक बात सुन के अपने वीडियो में कॉपी करके बोल दे, ऐसे नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक वैल्यू होता है, तो इसीलिए बहुत सारे चीज़ मेरे भीतर है, बताता नहीं हूँ, थोड़े बहुत मेरा जो कम्युनिटी है, हम लोगों का जो कम्युनिटी है एक्जॉटिक मतलब फ्यूचर ऑफ एक्जॉटिक, वहाँ पर हम शेयर करते हैं, लेकिन वो भी सोच समझ के, क्योंकि आगे जाके बहुत मतलब मैं हेल्प करने के लिए ही हूँ आप लोगों के लिए, तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपको स्प्रे गन से स्प्रे करना है, नीम पानी से स्प्रे कीजिए स्किन के लिए, नहाने से नहाना भी होगा स्किन के लिए भी बढ़िया है, और मुंह में चले जाने से कोई बात, सिर्फ नीम पानी और हल्दी भी डाल सकते हैं आप,
एलोवेरा का पानी से नहाना मतलब नहाने का बंदोबस्त कर सकते हो, और पुदीना का पानी से, और एक गुलाब जल जिसको हम लोग बिरयानी में खाने का जो गुलाब होता है ना, गुलाब पानी होता है, मतलब रोज़ वाटर होता है पीने के लिए, जैसे हम लोग बिरयानी चाप वगैरह में यूज़ करते हैं या कुकिंग में यूज़ करते हैं, मतलब वो हम इंटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर सामान में ये 365 डेज नहीं, पूरा साल के लिए रोज़ वाटर सप्ताह में दो बार करके, तीन बार करके यूज़ करता हूँ। इससे रोज़ वाटर में बहुत ताकत है, न्यूट्रिशन तो है ही, उसके साथ साथ डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और इसी पानी से नहाने से स्किन के लिए बहुत बढ़िया है और उसको बहुत आराम मिलता है। इसलिए गुलाब वाटर बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा देख लेना। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हम लोगों के इधर बहुत सारे कंपनी का मिलता है। मैं खुद पहले एक दिन जाऊँ, अगर कोई नया ब्रांड मिला तो मैं क्या करता हूँ, खुद घर में ले आके खुद पी लेता हूँ, एक दिन पूरा देखता हूँ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, फिर मैं बार्स को प्रोवाइड करता हूँ। तो ये गुलाब वाटर से मतलब रोज़ वाटर से भी आप बार्स को नहाने के लिए भी दे सकते हो या पीने के लिए भी दे सकते हो इस दोपहर के टाइम पे। बाकी तो चीज़ देखिए, मैंने बहुत बार बोला, जैसे नारियल पानी, कच्चा जो हरा वाला नारियल पानी, अब मीठा वाला पानी नहीं है, नारियल का जो वो पोर्शन नहीं है जो मतलब रॉ होता है ना नारियल पानी, जो पेट के लिए अच्छा है वो भी आप प्रोवाइड करते हो। तो शरीर में यूज़ में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत मदद मिलेगा। ये सारे चीज़ आप नेचुरल वाटर में आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको बार्स का आराम भी मिलेगा और नहाने का बंदोबस्त। जैसे हम लोग गर्मी में, मैं खुद गर्मी इसी तो शुरू हो चुका है, 3 से 4 बार नहाता हूँ। कितना भी काम रहे, नहाना मेरा मेन प्रायोरिटी है। खाना खाऊँ या ना खाऊँ, नहाना हमको चाहिए। कभी कभी रात 2 बजे भी नहा लेता हूँ क्योंकि मेरा सर्दी जुकाम का उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुरुआत के टाइम पे समा शुरू होने से, कोई भी सीज़न शुरू होने से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस सीज़न में बार्स को और क्या कर सकते हैं, एक तो है सुबह के टाइम पे अजवाइन का पानी, नींबू और नमक देके थोड़ा सा डाल दीजिए। बीच बीच में आप सॉफ्ट रूप में नमक को ज़रूर यूज़ कीजिए। हम लोग वाला टाटा सॉल्ट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट का थोड़ा सा मिकदार आप यूज़ कर सकते हो, क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा सा सिर्फ चुटकी भर ऐसे 2-3 बार करके सॉफ्ट फूड के साथ मिला के ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। और एक बात, सॉफ्ट फूड बोल के याद आया, कल एक कॉमेंट्स आया था बंगाली में, ज़्यादा मेरे बार्स को सॉफ्ट फूड देने से बहुत पॉटी कर रही, मतलब आपका बार्स का डाइजेशन सही नहीं है। सॉफ्ट फूड खाने से पॉटी नहीं होता है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपका बार्स का डाइजेशन बहुत वीक है या छोटे उम्र से वो सॉफ्ट फूड मतलब उसका बॉडी, मान लीजिए मैं अचानक से कुछ ऐसे खाना खाऊं जो मेरा शरीर रिजेक्ट कर देगा, तो उससे पॉटी का प्रॉब्लम या उल्टी का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बॉडी उसको मतलब मेरा लीवर या इंटेस्टाइन उसको पहचाना नहीं। वैसे ही आज के डेट में यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों के घर में सीट्स के ऊपर बार्स को रखा जाता है, और उसी के चलते जब आप खुद सॉफ्ट फूड प्रयोग करते हो उसका कोई डायरिया लग जाता है या लूज मोशन या बहुत सारे तकलीफ में वो पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने पहली बार सुना सॉफ्ट फूड देके किसी का पॉटी हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अब लोगों को देखिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप लोगों का कुछ सवाल है तो दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, उधर मत पूछिए। मैं उधर इतने सारे चीज़ें मैं कैसे लिख कर बताऊँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जो आपका गलत मत समझिए, जो एक कमेंट्स का मैं देखिएगा कॉन्टैक्ट में व्हाट्सअप बोल के लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे भाषा मतलब टेक्स्ट में कैसे ब्रीफ कर सकूँ, आपको कोई वॉइस मैसेज देने का ऑप्शन नहीं है कॉमेंट्स बॉक्स में, इसीलिए आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा, नहीं तो नहीं बता पाऊँगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये सारे चीज़ आपका इनडाइजेशन सॉरी बार्स का डाइजेशन सही नहीं है। और ये तो 90% बार्स का आप लोगों के घर में जो बार्स पालते हो डाइजेशन सही नहीं है, तभी जाके इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसी सारे चीज़ में आपको फोकस, सुबह सुबह आप अजवाइन का पानी प्रोवाइड कीजिए तो डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, पुदीना का पानी इम्पैक्ट मतलब दीजिए, नमक को यूज़ कीजिए क्योंकि इस टाइम पर सॉल्टेड का डिफिशियंसी हो सकता है। इस टाइम पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सहारा लीजिए, होम्योपैथिक में अगर कहूँ तो अल्फा अल्फा मादर या अविना सैटाइवा मादर, जिसमें बीट कॉम्प्लेक्स और भी ये हेल्थ टॉनिक के हिसाब से सोचिए, और एलोपैथिकली सोचे तो पॉलीबियन या एम्बीप्रेक्स ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बार्स को बी कॉम्प्लेक्स की सख्त ज़रूरत है, कि जो ये जो एपिलेप्सी लेग एपिलेप्सी या सॉरी लेब नर्वस ब्रेकडाउन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या लड़खड़ा के चलना, पैर में ताकत नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स आपको ज़रूर मदद करेगा। और जो लोग बी प्लस यूज़ कर रहे हो, फिर बोल रही हूँ,
उसका कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी प्लस जो अभी जो अपडेट मैंने किया और आगे जाके भी और भी अपडेट करूँगा। और वी प्लस, और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हो वही बता मतलब सुन पाओगे, वी प्लस टाइम पास बोल के मैंने एक चीज़ निकाला है, जो बार्ड आपका सॉफ्ट फूड नहीं खाता है वो ज़रूर खाएगा, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, जो सॉफ्ट फूड के माध्यम से न्यूट्रिशन शरीर में जाते हैं, वो वी प्लस टाइम पास, इसीलिए नाम दिया। कोई भी टाइम आप केज में एक पॉड में दे सकते हो, उससे आप गर्मी के सीजन हो या चाहे कोई भी सीजन हो आप यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑर्डर पहले आपको देना पड़ेगा फिर मैं बनाऊँगा, क्योंकि जैसे वी प्लस में हर टाइम मेरे पास हर टाइम नहीं गलत हो जाएगा, एक स्टॉक ख़त्म होता है दूसरे स्टॉक बनाने में 4-5 दिन लग जाता है या कभी कभी 7 दिन भी लग सकता है, लेकिन ये टाइम पास मेरे पास जो कोई भी ज़्यादा जो लोग लेते हैं उसका हर कोई बार सॉफ्ट फूड खाते हैं, लेकिन कभी कभार सुनने को मिलता है मेरे बार सॉफ्ट फूड नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए मैंने वी प्लस टाइम पास या जो लोग बार सॉफ्ट फूड खाते भी है वो लोग भी ले सकते हो, मेरे जेब भरने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो अभी अगर ये सोच होता तो मैं साफ बात बोलना पसंद करता हूँ, तो वी प्लस का कॉस्ट अभी जो आपको मिल रहा है ऐसे नहीं मिलता और बढ़ जाते, क्योंकि फ़ायदा लोगों को इतना मिल रहा है वी प्लस से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइम पे आपको हेल्थ टॉनिक का सहारा ज़रूर लीजिए, आप अगर सॉफ्ट फूड सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो हेल्थ टॉनिक ज़रूर सहारा लीजिए, उससे आपको ताकत मिलेगा जिसमें उसका न्यूट्रिशन का भरपाई होगा, क्योंकि बार्स को इस टाइम पे ज़िंदा रखने के लिए या तंदुरुस्त रखने के लिए हेल्थ टॉनिक की सख्त ज़रूरत है। ये हेल्थ टॉनिक या कोई भी जूस है, जैसे फ्रूट जूस आप खिला सकते हो, जैसे आप फ्रूट जूस के भीतर आप एप्पल लीजिए, आप अंगूर लीजिए मीठा वाला अंगूर, अब थोड़ा सा आँख का जो रस होता है ना कैंडी, मतलब जो आँख आँख जिसको बोला जाता है हम लोग बोलते हैं, उसका पहले रस बना लीजिए कैसे भी करके, उस रस को साथ भी मिला सकते हो आप मैंगो का भी थोड़ा सा मिकदार इस पर रख सकते हो। अभी तो मैंगो पूरा पूरी आया नहीं है, पक्का मतलब कच्चा हुआ मैंगो है, पक्का हुआ मैंगो नहीं आया है इधर हम लोगों के इधर। फिर तरबूज का थोड़ा सा पार्ट ले सकते हो, और कोई भी और भी सॉल्ट फॉल्ट मत मिलाइए, ये सारे जिस चीज़ जो बनेगा अब एक फ्रूट जूस उसके साथ थोड़ा सा पानी मिला के अब फ्रूट जूस के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारे चीज न्यूट्रिशन में भरपूर मात्रा में है। ये भी एक रास्ता आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बार्ड्स को सूप इस टाइम पे ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे वेजिटेबल सूप, इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स डालिए जो शरीर के लिए अच्छा हो, उसका जूस बना के थोड़ा सा मात्रा में नमक दीजिए, वो भी टाटा नमक नहीं, वो रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, उसके साथ साथ सफ़ेद ऑयल जो होता है ना सनफ्लावर ऑयल राइस ब्रैन ऑयल 4-5 बूंद डाल दीजिए उस सूप में, डाल के थोड़ा सा ठंडा करके प्रोवाइड कीजिए, इसमें न्यूट्रिशन जाएगा और कुछ नहीं, जितना न्यूट्रिशन जाएगा उतना उसका इम्यूनिटी सही रहेगा, वो सर्दी जुकाम डायरिया ये सारी चीज़ से बचा रहेगा। लेकिन मेन जो पॉइंट है आपका बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम ही तो सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ डाइजेस्ट कैसे कर पाएंगे, इसीलिए लिक्विड फॉर्मेशन में डाइजेस्ट करना ज़्यादा ईजी होता है कोई भी शरीर में, इसीलिए मैंने ये दो चीज़ें बताया। और इस टाइम पर होम्योपैथिक क्या जुगाड़ आपके पास होना चाहिए, इस इतना हॉट जब इतना इंक्रीज़ हो रहा है, कभी भी नेचुरल वाटर, जैसे मान लीजिए आप पुदीना पानी दे रहे हैं, एलोवेरा पानी, उसके साथ मेडिसिन मत मिलाइए, अपने बुद्धि को मत प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे गलती करके बोल देते हैं दादा मैंने किया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, मेरा नहीं है, मैंने साफ मना कर दिया, साइंटिफिकली ये लीगल नहीं है, ठीक है, ये लीगल बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, शरीर में जाके एक जबरदस्त इफेक्ट हो सकता है जिससे आपका बार्स का मौत भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ORS वाटर के साथ कोई भी एलोपैथिक मिला सकते हो, लेकिन ORS वाटर के साथ आर्सेनिक एल्बम 30 को मत मिलाइए, प्लेन पानी में प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ग्लूनाइन जेल्सिमियम एक हार्ट का, जैसे मैंने वीडियो बनाया था अर्जुना मदर या कैटागस मदर, मैं सजेस्ट करूँगा कैटागस मदर ज़रूर रखिए, अल्फा अल्फा मदर ज़रूर रखिए, नक्स भूमिका कार्बोवेज एक साथ दीजिए, और कालमेक का सप्ताह में 2-3 बार करके कालमेक दीजिए, लीवर से ही रहेगा तो डाइजेशन ज़बरदस्त होगा, लूज मोशन का कोई या डायरिया का कोई खतरा नहीं है। तो ये सारे चीज़ या एलोवेरा का पानी सप्ताह में 2-3 बार, नीम का पानी सप्ताह में 2 बार डिटॉक्स करने के लिए, आप एलोवेरा से भी डिटॉक्स होता है। एप्पल साइडर विनीगर इस टाइम पे ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए इतना गर्मी में, क्यों ये दूसरे टॉपिक में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पुदीना का पानी सप्ताह में 2-3 बार, और दोपहर के टाइम पे ग्लूनाइन जेल्सिमियम कैटागस और कार्बोवेज का ज़रूर दीजिए, क्योंकि कार्बोवेज सिर्फ डाइजेशन में मदद नहीं करते हैं,
बॉडी ऑक्सीजन लेवल को भी स्टेबल करते हैं। इसीलिए ये सारे चीज़ का मदद आपको लेना पड़ेगा। कुछ ना मिले तो ओआरएस वाटर ज़रूर बार्स को प्रोवाइड कीजिए दोपहर के टाइम पे। सारा दिन में 3 से 4 बार आपको पानी बदलना चाहिए। जितना फ्रेश वाटर दोगे उतना वो इंटैक्ट करेगा, आप करके देखिए, और उतना बॉडी डिटॉक्स होता रहेगा और बार्स तंदुरुस्त रहेगा। ये सुबह में दिया दोपहर में ऐसे मत करो, 2 घंटा बीच बीच में। देखिए चीज़ों को सही रखना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है तो आपको उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप ये उपाय आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा, नहीं तो अचानक मतलब ऑटोमेटिक मोड में कुछ नहीं होता है इस सिस्टम में। जैसे सूरज उठ रहा है फिर डाउन हो रहा है, बारिश आ रहा है, ऐसे तो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन मोड में चलता रहता है हम लोगों का नेचर। लेकिन हम लोगों का कुछ जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बोल के याद आया, केज फ्लोर को जितना हो सके साफ सफाई में ध्यान दीजिए इस गर्मी के सीजन, नहीं तो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका नहीं आपका बार्स का कुछ भी हो सकता है। आँखों का इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया तो ये आम बात है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, उल्टी आ सकता है, खाना कम हो सकता है, अचानक का हार्ट स्ट्रोक मतलब हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक भी होकर मर सकता है। तो पूरा पूरी डिस्कस किया, ये सारी चीज़ करते हुए आगे बढ़िए। और सप्ताह में 2 बार सब फूड के साथ हल्दी का डस्ट जरूर दीजिए, इसमें इम्यूनिटी या एंटीबैक्टीरियल वायरल या नीम का सेवन जरूर करवाइए। मेरा इतना गर्मी में 365 डेज हर दिन देखिएगा, मैं कल हो सके तो वीडियो के साथ लगा दूँ, नीम और तुलसी चलते रहते हैं, तभी जाके ये मेरे भी मेरा सीक्रेट है। और एक मेरा और सीक्रेट है, मैं बार्स को सही टाइम से सोने का रेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। और गुलाब जल जो आप इस वीडियो में पहली बार आप लोगों ने सुना, इसको ज़रूर प्रयोग कीजिए। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।